मेरे बच्चे को समझे, मैं अबॉर्शन वगैरह नहीं कराऊंगी। शादी करना अगर मुझसे कोई चाहता है, लेकिन इस बच्चे को अपनाना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो शादी करने के बाद मुझे अपना ले, मेरा बच्चा हो जाए, उसको बोले दूसरे का है, कोई टोन वगैरह मारे। प्रेगनेंट हूँ। अच्छा। और मेरे पति मर चुके हैं। शादी वाले वो ज़्यादा ही पीने लगे थे, तो उनको अंदर से सब कुछ, उनका किडनी वगैरह सब खराब हो गई थी। वो कोई वो मतलब नहीं है, डाइवोर्स ही हो। मेरा भी पति मर चुका, मैं भी शादीशुदा हूँ पहले, बच्चा भी है, और लेकिन मुझे कोई इससे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी दीदी, आपने बुलाया था, सॉरी हम आने में थोड़ा लेट हो गए। तो मतलब क्या समस्या है? थोड़ा तो हमें आपके बारे में पता लगा, पर एक बार आप कैमरे पे बता देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा अपने मुँह से। मैं भैया, मैं बस क्या बताऊँ सबके सामने, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं बस फिर भी मैं हिम्मत करके बोलूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। और मेरे पति मर चुके हैं, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। तो मैंने घर वालों से भाग के शादी की थी, मेरे घर वाले मुझे अपनाते नहीं हैं, मैं वहाँ जा नहीं सकती। अब मैं सोच रही हूँ ये अपना जीवन साथी चुनने के लिए, कोई मेरे को अपना है मुझे शादी करे। तो मैंने ये भी सुना था कि मतलब कि जिसने आपको आपके पास हमें भेजा, तो ये भी सुना था मैंने कि आप यहाँ पे पार्कों में पानी की बोतल वगैरह बेचती हो। हाँ जी भैया, मैं यहाँ पार्क में काम करती हूँ, यहीं पे झाड़ू वगैरह लगा रहती हूँ, पानी की बोतल वगैरह ये सब देखती रहती हूँ, यहीं पे काम कैंटीन में काम करती हूँ। अच्छा। यहाँ पे तो मतलब फिर अब गुजर बसर कैसे होता है फिर? वैसे ही हो जाता है भैया, बस थोड़ा बहुत खाने को ये लोग कैंटीन वाले काम वाम करते दे देते हैं, पानी की बोतल वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी निकालूंगी, मुझे भी जीवन साथी चाहिए, शादी करना चाहती हूँ। मैं मेरे पेट में बच्चा है, मैं कब तक ऐसे काम करती रहूँगी? क्या 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 बोला आपने? मेरे पेट में भैया बच्चा है, मैं कब तक ऐसे काम करूँगी? मतलब आप प्रेग्नेंट हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितने महीने की? मैं अभी 2-2.5 महीने हैं। तो 2-2.5 महीने की आप प्रेग्नेंट हो, और आपके पति ने आपको क्या बताया? मेरे पति मर चुके हैं। आपके घर वाले? मेरे घर वाले नहीं अपनाएंगे मुझे, मैं भाग के शादी करी थी। तो मतलब आपके आपकी लव मैरिज थी? लव मैरिज करी थी। तो मतलब पति का मतलब देहांत कैसे हो गया? वो बस ऐसे बीमार थे, पीते खाते थे, तो इस वजह से। तो मतलब पीते खाते थे? पीते खाते तो थे। आपको शादी से पहले नहीं पता था क्या मैडम जी पीते मुझे हैं, पता खाते था, हैं? पर इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। शादी वाले वो ज़्यादा ही पीने लगे थे, तो उनको अंदर से सब कुछ, उनका किडनी वगैरह सब खराब हो गई थी। शादी से पहले भी पीते थे वो? की नहीं, शादी से पहले पीते थे, पर मुझे इतना पता था कि थोड़ा बहुत पीते हैं, पर शादी के बाद वो इतना ज़्यादा पीने लगे, मेरे सामने बैठ के पीने लगे। मुझे जब पता लगा, उनका इलाज वगैरह करवाया, तो पता लगा कि उनकी किडनी वगैरह सब गुल चुकी है, अंदर से किडनी वगैरह सब खराब हो चुकी है। तो आप मतलब जब वो उन्होंने पीना स्टार्ट करा, तो आपने रोका नहीं क्या कभी उन्हें? मैंने बहुत रोका, लेकिन बस जिसकी आई होती है उसको कौन रोक सकता है। तो मैडम फिर भी जब आपकी लव मैरिज थी, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए था ना? बिल्कुल भी किसी को नहीं मानते थे वो, तो बस उनको तो अपना पीना पीना दिखता था, कुछ नहीं दिखता था। तो मतलब आपके सास ससुर कोई हमें अपनाते नहीं, ना मेरे घर वाले ना उनके घर वाले। तो सास ससुर से क्या दिक्कत है? चलो आपने अपने घर के खिलाफ तो जाके शादी करी, वो मैं मानता हूँ। वो भी अपने उनके घर वालों को भी मैं पसंद नहीं थी। अच्छा। तो वो भी मुझे पसंद नहीं करते, उनके लड़का मर गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कह रहे जब लड़का ही मर गया तो क्या करेंगे। तो जब शादी हुई तो आप कहाँ रह रहे थे? तब तो मैं उनके साथ उनके घर में थी। तो तब कोई ऐसी नोक झोंक नहीं हुई कि हाँ भाई तू? नहीं, तब कब उनका लड़का था, वो सपोर्ट लेने के लिए थे मेरे पीछे। अच्छा। अब कोई है ही नहीं, तो फिर अब सपोर्ट कौन लेगा मेरे? तो मतलब जाते ही ऐसे हो गया कि आपको? हाँ, वो शादी के 2-3 महीने बाद ही बीमार पड़ गए थे। हाँ। पर जब से उनका थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ते गए, फिर जब उनको हुआ तो उनके घर वालों ने आपसे क्या कहा? उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे पर लगाया, तेरी वजह से पीना खाना शुरू हो गया, जब से तू इस घर में, मेरा बेटा खत्म होकर बीमार पड़ गया। उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। मतलब आपको वो कर रहे थे वो कि टॉर्चर कर रहे हैं कि मैंने उनका लड़का मारा, मैं उनका लड़का खा गई। तो मैडम ये तो गलत है ना, जब उसने भी तो मतलब आप दोनों की जब लव मैरिज थी तो उसको भी तो आप पसंद आई, दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी तभी हुआ। तो आपने कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी अपने घर वालों से? मेरे घर वाले मुझसे बात करने पसंद हाँ जी मेरे घर वाले मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे भैया। तो मतलब एक बार आप कोशिश तो कर ही सकते हो ना कि अपने घर वालों से बात करो, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि माँ बाप तो मतलब गलती माफ़ी कर देते हैं, अब उनके बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। नहीं करेंगे भैया, मेरे घर वाले बहुत हार्ड है, मेरा भाई है, वो नहीं समझेगा कुछ। तो एक बार कोशिश तो कर सकती थी आप? मैंने कभी सोचा नहीं, मैं यहाँ पार्क में काम करने लगी, मैंने कभी सोचा नहीं मैं घर पर फ़ोन करूँगी, वो लोग मुझे अपना लेंगे तो इस बच्चे को कौन अपनाएगा। कितने महीने हो गए इस पार्क में काम करते हुए? इस पार्क में मेरे को 1.5 महीना हो गया। अच्छा। तो मतलब जब आपको पता लग गया था आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद आप यहाँ काम करने? अच्छा। मैं अभी पार्क में कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कोई मुझे अगर इस मारे भी, मैंने आपको बुलाया कि मेरे को वीडियो कॉल के थ्रू मैं आपको सबको बता सकूँ कि शादी करना अगर मुझसे कोई चाहता है, लेकिन इस बच्चे को अपनाना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो शादी करने के बाद मुझे अपना ले, मेरा बच्चा हो जाए, उसको बोले दूसरे का है, कोई टोन वगैरह मारे, ये सब नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप चाहती हो कि ऐसा लड़का हो जो आपको भी अपनाए और जो आपके पेट में बच्चा है उसको भी अपनाए, और मतलब अगर वो आगे करना चाहें फिर?
नहीं बच्चों की अगर उसका भी होता है तो मुझे मुझे एक्सेप्ट है, चाहे शादी करेगा तो बच्चा तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को भी अपना है ना। तो कैसे लड़का चाहिए आपको? मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो मुझे भी अपनाए, मेरे बच्चे को अपनाए और आगे जाके मेरी ज़िंदगी सफल रहे, मेरे को वो मुझे समझो और मैं उसे समझूं। मतलब कैसा हो, कैसा दिखता हो, क्या आपका पढ़ाई में क्या? भैया मेरे को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है, मुझे बस इतना दो रोटी चाहिए, घर में रहना है, मुझे घर के मुझे इज्जत चाहिए। मुझे कोई भी चलेगा? कोई भी क्या चलेगा, थोड़ी कोई भी रोड पर रहने वाला आ जाएगा, मतलब फैमिली से तो होगा ही। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, क्या हो। जी भैया फैमिली से हो, बस फैमिली उसकी मंजूर करे, अच्छा हो। जैसी अगर मैं अच्छी नहीं हूँ ना तो जैसी मैं हूँ मुझे ऐसा भी इससे भी ऐसा ही मिलेगा, मैं कर लूँगी। अच्छा तो डाइवोर्सी वगैरह चलेगा? हाँ डाइवोर्सी, मैं भी तो एक तरह से विधवा हूँ, मैं भी तो डाइवोर्सी की तरह। तो यही चीज़ मैं आपसे क्लियर पूछना चाहता हूँ ना कि कैसा चाहिए, मतलब डाइवोर्सी का मुझे क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डाइवोर्सी हो, मेरा भी पति मर चुका, मैं भी शादीशुदा हूँ पहले, बच्चा भी है, और लेकिन मुझे कोई उससे कोई एतराज़ नहीं है। चलो भाई कोई ऐसा लड़का हो मतलब, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और वो कहाँ से होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ रिलीजन का अगर कुछ हो? अभी यहाँ से हूँ, हरियाणा की साइड से हूँ, यूपी की साइड से, यूपी की साइड से। और वो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं का भी, दिल्ली का हो, बाहर का हो, कहीं का, मुझे घर में रहने से मतलब है। मतलब कोई किसी भी वो उसका चल सकता है स्टेट का? तो भाई कोई भी हो तो क्या हम फोटो मांग लें क्या? मतलब आप पहले मतलब क्लियर कर लेना भैया, पहले ये क्लियर करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बस, और मेरे बच्चे को समझे, मैं अबॉर्शन वगैरह नहीं कराऊंगी, बच्चे को समझे मैं। अच्छा तो मतलब आगे जाके ये ना हो ना कि मेरा बच्चा होता है फिर उसका बच्चा हो तो मुझे कल को जाकर टोन मारे, बच्चे को मारे। समझ रहा हूँ आपकी बात। मतलब तो हमारी वीडियो के थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, आप अपना नंबर, आप अपना नंबर दोगी कि उनकी फोटो मांग ले कमेंट्स में? आप उनसे फोटो मांग लेना भैया, मैं नंबर नहीं दे सकती अपना। अच्छा तो फिर बात तो आगे करनी पड़ेगी ना। आप कर सकते हो भैया, आप अपनी वीडियो के थ्रू मेरी बात करवा सकते हो। तो भाई ठीक है, हम दीदी की मदद करेंगे, और माफ़ी चाहता हूँ मैं लेट भी हो गया था। तो भाई अपने कमेंट में अपनी फ़ोटो भेज देना और स्टेट भी बता देना कहाँ से हो, और देख लो पहले ही दीदी ने एक चीज़ बोली है, एक बार फिर से क्लियर कर दो कि बच्चा मैं 2.5 महीने पेट से प्रेग्नेंट हूँ। अब बच्चा नहीं गिरवाओ, बच्चा नहीं गिरवाओ। तो ठीक है भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैडम की जितनी हो सकती है मदद करें, जल्दी से जल्दी वीडियो वायरल करो।